सदन में आज संविधान 128 विधेयक 2023 में चर्चा हो रही है। सभा में मुझे अच्छा तो ये रहता जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी 17 तारीख को, उसके अंदर ये एजेंडा आता कि हम महिला आरक्षण का बिल लेकर तो विस्तार से उस पर चर्चा होती, सारी जो जानकारी थी सारी पार्टियां अपनी बात रखती और उसके बाद इसको रखा जाता। अचानक से विशेष सत्र बुलाया, हम सबको लगा पता नहीं क्या होने वाला, विशेष क्या हो गया सत्र, एक साथ बात चली कि एक साथ चुनाव हो रहे हैं, एक देश एक चुनाव, दूसरे कई तरह के विधेयक लाने की बात चली। लेकिन जब ये बिल लाए, इस बिल का तो मैं और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महिला आरक्षण के पक्षधर हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन देश में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं के हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़े, इस दिशा में हमेशा हमने आवाज भी उठाई। सौज मोदे बिल जब आया तो शायद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को पता नहीं था, बिल को पढ़ा नहीं, तो कई तो ऐसे भाषण दे रहे थे कि संविधान पूरा ही संशोधन हो गया। देखा था मैंने एक दो लोगों को, वो बिल पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन जब बिल को पढ़ा तो इसके अंदर ये लिख दिया कि ये पहली जनगणना जो महिला आरक्षण आपका लागू करेंगे, पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात प्रभावी होंगे। सौज मोदे जैसे ये पढ़ा तो समझ में आ गया कि धुमला देश के अंदर आपने फिर छोड़ा, 5 राज्यों के चुनाव है, लोकसभा का 24 में चुनाव है, आप चाहते तो 2014 का मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब 2014 के अंदर आपका घोषणा पत्र था तो इसके अंदर आपने बात कही थी कि महिला आरक्षण बिल को भी हम पारित करने का वादा 2014 के अंदर किया, लेकिन जब 19 आया तो 19 के अंदर आपने इस बात को घोषणा पत्र कर नहीं लिया, आपका ये एजेंडा था कि अभी इस बात को कर दें, और जब मीडिया ने परसों कल छापा कि बिल पारित हो गया तो देश के कोने कोने ढाणी ढाणी तक बात पहुंच गई, महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया और जहां चुनाव हो रहे तुरंत ही महिला इतनी एमपी और एमएलए बन जाएगी। हम इस बिल का समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े और इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक, चाहे आप लीडरशिप की बात करें, बलिदान की बात करें, लोक देवता हमारे जो हुए, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने तलवार की धार से दुश्मनों को झुकाया और भगाया। समझ मोदे, लेकिन इस बिल की आड़ में जो दिल्ली सरकार है हमारी, इस पर सवालिया निशान ये बन गया कि प्रतिबद्धता को लेकर जो दावे कर रहे खोखले नजर आए, जब देश में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार अपराध, देश में बेरोजगारी, सेना में अग्निपथ, किसान आंदोलन, महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता आपकी सरकार में सवाल खड़े करने लगे, उन मुद्दों को गौण करने के लिए आप ये बिल लेकर आ गए। वास्तव में आपको महिलाओं के आरक्षण को देना चाहते थे तो 14 से एनडी की सरकार बनी, आज 9 वर्षों से अधिक समय हो गया, इस वर्षों में आपको महिला आरक्षण का विषय कैसे याद आया, आपकी प्राथमिकता में बिल क्यों नहीं रहा, इसके बारे में भी देश की जनता आपसे जानना चाहती है। सर महोदय, विधेयक में लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण जुड़े बिंदु में पढ़ रहा था, मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने को लेकर आपकी क्या मंशा है। हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी संविधान पर आरक्षण रूपी हक को मद्देनजर उचित प्रतिनिधित्व देने का क्लोज रखा जाए, आप जब जवाब दें तो इस बात पर भी सरकार की मंशा के बारे में बताएं। साल 2010 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और सदन से महिला आरक्षण बिल के पास होने पर उन्होंने इसे अपने लिए गर्व और सम्मान का ऐतिहासिक पल कहा था। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज उस समय लोकसभा विपक्षी नेता थी, वे इस बिल की सबसे प्रमुख पैरोकारों में एक थी, लेकिन आज 2023 में विडंबना है कि उनकी पार्टी बीजेपी दूसरी बार सत्ता में भारी बहुमत से काबिज होने के बाद 10 साल तक ये बिल लटका रहा। अब चुनाव कब होगा, 26 तक फ्री है डिलिमिटेशन, 29 में होगा, 33 में होगा, 2047 में होगा, 52 में होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, आपने तो जुमला छोड़ दिया, एक मिनट तक समाप्त करो, तो इस का भी देश आपसे हिसाब मांग रहा है। तो आज दुनिया की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का दावा करने वाले हमारे मध्य युग से भी ज्यादा सामंती सोच, संवेदना, असुरक्षा, हिंसा, विविध अपराधों का शिकार बन रही। आज सवाल यह कि बड़ी संख्या में महिलाओं के लापता होने, यौन उत्पीड़न के सवालों बेस क्यों नहीं चढ़ी जाती, बेस इस बात पर भी होनी चाहिए कि दिल्ली के निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कानूनों को कठोर किया गया, लेकिन कानून बन जाने के बाद भी स्थिति क्यों नहीं सुधरी, चिंता का कारण है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कोई विशेष कमी आती नहीं दिखी,
वे पहले की तरह यौन अपराधियों के शिकार बनी, लापता हो रही है, छेड़छाड़ बलात्कार अपहरण लापता होने दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं रहे। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की घटना का वीडियो वायरल हो, या राजस्थान के प्रतापगढ़ में आदिवासी महिला का दरियाबंद में निर्वस्त्र का वीडियो वायरल करने का मामला हो, हालात चिंताजनक है। समाज महोदय, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से संकलित आंकड़ों के अनुसार 19 से 21 के बीच मात्र 3 वर्षों में देश भर में 13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हुई। इस लापता होने वाली लड़कियों और महिलाओं में दलित आदिवासी जनजाति की संख्या ज्यादा थी। मेरा ये निवेदन, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, मैं समाप्त कर रहा हूं, टाइम इज ओवर, प्लीज कंक्लूड, एक मिनट में समाप्त कर, प्लीज कंक्लूड। मैं ये चाहता हूं कि महिला उत्पीड़न पे, महिला अत्याचारों पे भी सदन के अंदर एक दिन चर्चा हो, ताकि अपने माननीय सदस्य अपने आप में बात रख सके। समाज महोदय, मैं लास्ट मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। देश के अंदर प्रमुख जो आरक्षण आंदोलन, आज सदन में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है, क्योंकि आरक्षण का विषय, इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर सहित अन्य ऐसे राज्य में तो जाट समाज, जी, प्लीज कंक्लूड, एक सेकंड सर, जाट समाज को आरक्षण है ओबीसी का, लेकिन केंद्र में नहीं है, उन्हें केंद्र में ओबीसी का आरक्षण है। राणा जी, हरियाणा में, एक मिनट सर, समाप्त, लास्ट समाप्त कर, हरियाणा में जाट आरक्षण दर्ज किए गए मुकदमों को वापस दें, राजस्थान, समाप्त कर रहा हूँ सर, एक मिनट है सर, आखिरी, ये तो आखिरी, हम तो जाएंगे, तो एक एक मिनट सर, समाप्त कर रहा हूँ, एक मिनट, प्लीज कंक्लूड, टाइम इज, थोड़ा आप तो ध्यान रखें हमारा, और एक लास्ट, एक मिनट दोहरा, ये गुजर आंदोलन, हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन दर्ज जो मुकदमे थे हरियाणा राजस्थान के, वो वापिस ले जाए। अभी मराठा जो पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के आंदोलन कर रहे हैं, मराठों का इतिहास देखे, यू कैन स्टार्ट, नवनीत जी, तो मराठा आंदोलन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।